और समय से साउंड बार के प्राइस ड्रॉप का मैं इंतजार कर रहा था, तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, इसको इंस्टॉल करना भी सीखेंगे, साथ में और भी साउंड बार्स का कंपैरिजन करेंगे इसके साथ, ताकि जब भी आप कोई साउंड बार खरीदे आपको एग्जैक्टली पता हो कि किस तरह की साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। हर बार की तरह सोनी की मिनिमलिस्टिक पैकेजिंग है इस पर भी, और बहुत ही प्यारी प्यारी बातें भी लिखी हुई है, जैसे कि इनपुट्स में ऑप्टिकल और HDMI केबल को सपोर्ट करता है, साथ में 3.5 mm के ऑक्सिलरी इनपुट भी ले लेता है, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि USB और ब्लूटूथ को भी सपोर्ट करता है, तो हर तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हैं। 5.1 चैनल का होम थिएटर सिस्टम है ये, जो कि 400 वाट्स की मैक्सिमम पावर देता है। इसकी वोल्टेज के हिसाब से इसका वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है, 13 kg का, और डिमेंशंस भी बॉक्स पे ही दिखा देता है ये, ताकि आपके टीवी के हिसाब से अंदाज़ा लग जाए आपको कि कितना चौड़ा होने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये मेड इन वियतनाम है, मेड इन चाइना नहीं। साथ में और भी डिटेल्स आप देख सकते हैं बाकी पॉज करके। और सबसे ऊपर ही यूजर्स मैनुअल इसके साथ आपको मिल जाता है, एक रिमोट कंट्रोल, रिमोट के लिए दो बैटरी सोनी के ब्रांडिंग वाली, एक ऑडियो केबल इसके साथ आपको मिल जाती है, और एक पावर केबल मिल जाती है। सारे स्पीकर्स एक थर्मोकोल के बंडल में बंद के आते हैं, और एक सबवूफर अलग से आता है। इसकी वोल्टेज के हिसाब से सबवूफर बिल्कुल भी हल्का नहीं है, क्योंकि एम्पलीफायर अब इसी के अंदर बिल्ट इन आता है। पहले एम्पलीफायर के लिए एक अलग यूनिट होती थी जिसमें DVD प्लेयर भी बना होता था, बाद में वो ब्लूरे प्लेयर के साथ आने लगा, और फिर अब तो किसी भी डिस्क प्लेयर की तो ज़रूरत रही ही नहीं। अब एक आगे के साउंड बार में ही 3 चैनल्स बिल्ट इन होते हैं, यानी फ्रंट लेफ्ट, सेंटर और फ्रंट राइट चैनल्स। साउंड बार की ऊंचाई थोड़ी सी और ज़्यादा हो सकती थी ताकि ड्राइवर्स और बड़े साइज के लग पाते। इसको दीवार पे भी टांगा जा सकता है, इसके बैक साइड पे इसके लिए खड्डे दिए गए हैं। इसी तरीके से रियर स्पीकर्स को भी दीवार पे आप माउंट कर सकते हैं। हाथ में लेते ही बिल्ड क्वालिटी बहुत ही इंप्रेसिव लगती है इनकी पहले के मुकाबले। इसकी वोल्टेज के हिसाब से सबवूफर का साइज़ अब भी ठीक ठाक है अगर और ब्रांड से हम कंपेयर करें तो। रबर पैड्स इसके नीचे पहले ही चिपका के देती है कंपनी, ताकि फ्लोर पे जब आप इसको प्लेस करें धमक से ये बिल्कुल भी हिले ना। सबवूफर के ऊपर आपको टच सेंसिटिव बटन्स मिल जाते हैं, और टॉप राइट कॉर्नर में एक USB पोर्ट भी मिलता है, ताकि पेन ड्राइव के ज़रिए आप म्यूज़िक प्लेबैक कर पाएँ। क्योंकि एम्पलीफायर यूनिट अब सबवूफर के अंदर ही बिल्ट इन है, तो कूलिंग के लिए वेंटिलेशन स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएगी सबवूफर की बैक साइड पे। कनेक्टिविटी के लिए 3.5 mm का जैक, HDMI और ऑप्टिकल पोर्ट्स, और स्पीकर्स के लिए 5 एम्पलीफायर आउटपुट्स भी मिलती हैं। रिमोट की बात करें तो सारी नेसेसरी कीज़ आपको मिल जाती है इसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि स्टैंडर्ड, म्यूजिक और सिनेमा मोड के लिए डेडिकेटेड बटन्स दिए गए हैं। ओवरऑल साउंड वॉल्यूम के साथ ही साथ सबवूफर की वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव फीचर है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो कि सबवूफर की वॉल्यूम काफ़ी कम रखते हैं अपने साउंड टेस्ट के हिसाब से। ऐसी डिस्प्ले की लाइट को डिम करने के लिए एक डिमर का बटन दिया गया है। बैटरीज को इंस्टॉल करने से पहले हमेशा मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी का ध्यान रखा करें, क्योंकि अल्कलाइन बैटरीज एक्सपायर होने के बाद बहुत ही बुरे तरीके से लीक करती है, जिससे कि रिमोट कंट्रोल अंदर से ख़राब हो सकता है। इसी से बचने के लिए मैं पैनासोनिक कैन लूप बैटरीज का इस्तेमाल करता हूँ। ये रिचार्जेबल है और लीक तो कर ही नहीं सकती, क्योंकि इनकी केमिस्ट्री अलग है। लकीली इस बार एनलूप के मेड इन जापान सेल्स मिल गए मुझे, जब इनका रिव्यू करा था मैंने तो मेड इन चाइना वाले थे। रिमोट के टॉप साइड पर ग्लॉसी प्लास्टिक का इस्तेमाल करा है, और पावर केबल की बात करें तो 6 एम्पीयर्स की 2-पिन इंडियन स्टाइल की पावर केबल इसके साथ दी गई है। स्टार्टअप गाइड के साथ दुनिया के सारे सर्विस सेंटर्स की लोकेशन की आपको जानकारी मिल जाती है, और जल्दी से आप इसको कनेक्ट कर पाए इसके लिए स्टार्टअप गाइड में कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं। डिटेल्ड मेन्यू ऑप्शंस और स्पेसिफिकेशंस इसके दूसरे पैम्पलेट में दी गई हैं। सोनी की अच्छी बात यह लगती है मुझे कि ये स्पेसिफिकेशंस छुपाते नहीं है, और अलग अलग चैनल की वोल्टेज क्लियरली स्पेसिफाई करते हैं। साउंड बार में तीनों सैटेलाइट्स की केबल्स अलग अलग दी गई है, क्योंकि ये एक एक्चुअल 5.1 होम थिएटर सिस्टम है, चाहे भले लुक्स के लिए अब एक ही साउंड बार में तीनों चैनल्स को फिट कर दिया हो। दीवार पे माउंट करने से बेहतर मुझे लगता है कि इस साउंड बार को टीवी ट्रॉली पे रखना रहेगा। खैर, इसको आपको हमेशा टीवी के नीचे की तरफ ही लगाना है, जैसे भी आप लगाएं, और थोड़ी सी दूरी रखें टीवी से, ताकि इसके स्पीकर्स की मैग्नेटिक फील्ड से किसी भी तरह के टीवी में इंटरफेरेंस के इश्यूज ना आए। हर पावरफुल साउंड सिस्टम के जो ड्राइवर्स होते हैं इसी तरीके से EMF एमिट करते हैं, इसी कारण से और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से थोड़ी दूरी बनाकर ही इस तरह के सिस्टम्स को रखा जाता है। सराउंड चैनल्स के लिए 2 जगह ड्रिलिंग करनी पड़ेगी दीवार पे, और डस्ट पूरे घर में ना फैल जाए इसके लिए एक वैक्यूम क्लीनर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्पीकर्स को कील पे टांगने की बिल्कुल भी गलती ना करें, प्रॉपरली ड्रिल करके ही इनको लगाएं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है जब आप इनको प्लेबैक करते हैं,
ड्रिलिंग के लिए 6.5 mm की मेसनरी ड्रिल बिट का मैंने इस्तेमाल करा था और 2.5 inch के ड्राइव वॉल फिलिप्स हेड स्क्रूज का इस्तेमाल करके स्पीकर्स वॉल पे बिल्कुल टाइटली फिट हो इसके लिए आपको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से पेचों को खोल के या कस के देखना पड़ेगा कि कहाँ पर परफेक्ट फिट आ रही है। प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपका ईजिली समझ आ ही जाएगा। केबल्स को ठीक से ऑर्गेनाइज करने के लिए दीवार पे मैं केबल क्लिप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। 4 mm की केबल क्लिप्स इसकी वायर की थिकनेस के हिसाब से सफिशेंट है। ऑप्टिकल केबल अलग से खरीद के आपको इस सिस्टम के साथ लगानी पड़ेगी और ब्लू रिगर की 2 types के केबल्स आती हैं। इनकी क्वालिटी के बारे में एक अलग वीडियो में हम रिव्यू कर लेंगे। आइडियली एक HDMI केबल की मदद से साउंड बार को आपको कनेक्ट करना चाहिए। सारे स्पीकर्स की केबल्स कलर कोडेड है तो इनको लगाने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अच्छी बात है इस बार पावर केबल डिटैचेबल है। HDMI केबल का दूसरा सिरा आपको अपने TV के HDMI आर्क पोर्ट में लगाना है। ऑप्टिकल केबल टेम्परेरीली मैंने TV में ही कनेक्ट कर दी है, नहीं तो अगर मल्टीपल सोर्सेज है जिससे आप ऑडियो सुनना चाहते हैं तो ऑप्टिकल केबल उस सोर्स में कनेक्ट कर सकते हैं। अब TV की सेटिंग्स में जाके TV के जो इनबिल्ट स्पीकर्स हैं उनको डिसेबल कर दिया है और डिजिटल आउटपुट का जो फॉर्मेट है उसमें डॉल्बी डिजिटल सेलेक्ट कर लिया है जो कि ये साउंड बार सपोर्ट करता है। इसके बाद इनपुट्स में जाके HDMI पोर्ट्स को भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे। HDMI 1 पोर्ट में मैंने साउंड बार को कनेक्ट करा है। इससे फ़ायदा ये होता है कि TV के साथ ही साउंड बार भी ऑन या ऑफ हो जाता है और वॉल्यूम भी TV के रिमोट से ही कंट्रोल हो जाती है। तो इस सब को एनेबल कर लेंगे HDMI कंट्रोल, डिवाइस ऑटो पावर ऑफ और TV ऑटो पावर ऑन को एनेबल करके। अगर आप HDMI केबल के जरिए सिस्टम को कनेक्ट करेंगे तो ही ये सारी फंक्शनैलिटी आपको मिलेगी। ऑप्टिकल केबल ये फीचर सपोर्ट नहीं करती है। सबसे पहले तो इसके बेसिक्स को कवर कर लेते हैं और साथ ही साथ इसकी सेटिंग्स भी कर लेंगे ताकि बेस्ट सराउंड इफेक्ट हमें मिले। वॉल्यूम के बटन से इसकी मेन वॉल्यूम कंट्रोल होती है और सबवूफर की भी आप वॉल्यूम एडजस्ट कर सकते हैं। मिनिमम 0 मैक्सिमम 12 के बीच में आप अपने टेस्ट के हिसाब से सबवूफर का लेवल रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 10 आइडियल है। डिमर का बटन दबा के 3 settings आपको मिलती है, ब्राइट, डार्क और ऑफ। ब्राइट पे डिस्प्ले ब्राइट रहेगा, डार्क से थोड़ा सा डल हो जाता है और ऑफ सेट करने पे डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है थोड़ी देर बाद। अगर इसके डिस्प्ले से आपको डिस्ट्रैक्शन लगता है तो आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। म्यूजिक, स्टैंडर्ड और सिनेमा के 3 sound के मोड्स आपको मिलते हैं। अगर आप चाहते हैं मूवीज़ में आपको डायलॉग्स बेहतर सुनाई दे तो वॉइस के ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं। मैं इसको ऑफ ही रखता हूँ ज़्यादातर। अगर इस साउंड सिस्टम का आप रात को इस्तेमाल कर रहे हैं और चाहते हैं कि पड़ोसियों को इसकी साउंड ज़्यादा तकलीफ ना दे, नाइट का बटन दबा के इसका नाइट मोड ऑन कर सकते हैं, लेकिन इससे डायनेमिक रेंज कम हो जाती है, इसी कारण से मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता। मेन्यू का बटन दबाने से ये करंट सेटिंग्स आपको डिस्प्ले कर देता है जो कि आपने अपने साउंड सिस्टम में सेट कर रखी है। तो अभी सिनेमा मोड लगा हुआ है जिसमें सराउंड चैनल्स भी काम करते हैं, वॉइस इनहेंसमेंट और नाइट मोड ऑफ है, डॉल्बी डिजिटल का फॉर्मेट सिलेक्टेड है। वहीं स्पीकर के मेन्यू में मल्टी स्पीकर को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ऑन पे सारे चैनल्स काम करेंगे, ऑफ पे पीछे के सराउंड चैनल्स ऑफ हो जाते हैं और शायद सेंटर चैनल भी ऑफ हो जाए। सराउंड चैनल्स की डिस्टेंस भी आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी अपनी लिसनिंग पोजीशन से। बाय डिफॉल्ट 3 meters सेट होके आता है, मैं अपने केस में 2.5 meters कर लूँगा इसको। बाकी आप अपने हिसाब से मेजरमेंट लेके फिर इसमें इनपुट कर दें जो भी डिस्टेंस है। दोनों लेफ्ट और राइट सराउंड चैनल्स के लिए ये अलग अलग आपको इनपुट करना पड़ेगा। मिनिमम 1 meter और मैक्सिमम 6 meters के बीच में आप इसको सेट कर सकते हैं और 0.1 meters की एक्यूरेसी इसमें रहती है। डिस्टेंस के बाद सराउंड स्पीकर्स की वॉल्यूम भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। -6 decibel से लेके +6 decibel के बीच में ये एडजस्टमेंट आपको अलाउ करता है और आधे decibels का वेरिएशन रहता है। ऑडियो के मेन्यू में DRC को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन मिलता है। ऑन करने पे डायनेमिक रेंज कंप्रेस कर देता है ये, लेकिन मैक्सिमम साउंड क्वालिटी के लिए इसको ऑफ ही रखें। इसके बाद ऑटो वॉल्यूम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। और मूवीज़ के लिए ये ड्यूल की सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इसे मेन सब और मिक्स आउटपुट के बीच में सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी मूवी में मल्टीपल ऑडियो स्ट्रीम्स होती हैं तो उन्हीं अलग अलग स्ट्रीम्स को ये सेटिंग अफेक्ट करती है। HDMI के मेन्यू में कंट्रोल फॉर HDMI को ऑन रखें, इससे साउंड बार और TV दोनों एक दूसरे की वॉल्यूम कंट्रोल कर पाएंगे सिंगल रिमोट से, क्योंकि HDMI केबल ये फंक्शनैलिटी अलाउ करती है। TV ऑडियो में आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ऑप्टिकल केबल के जरिए ऑडियो प्लेबैक करनी है या फिर इसको ऑटो छोड़ सकते हैं। अगर HDMI केबल कनेक्टेड होगी तो हमेशा HDMI के जरिए ही साउंड प्ले करी जाएगी। ब्लूटूथ के मेन्यू में पावर ऑफ करने से ब्लूटूथ डिसेबल हो जाता है, तो इसको ऑन ही रहने दें अगर ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो। स्टैंड बाय को ऑन रखने से फ़ायदा ये रहता है, इनकेस से साउंड बार का ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है तो अपनी डिवाइस से अगर आप साउंड बार को कनेक्ट करना चाहेंगे ऑटोमेटिकली साउंड बार का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा और आप अपनी डिवाइस से म्यूजिक प्लेबैक कर पाएंगे। USB के मेन्यू में रिपीट के लिए अलग अलग ऑप्शंस मिलते हैं। 1 सेलेक्ट करेंगे तो एक ट्रैक प्ले होगा, फोल्डर सेलेक्ट करेंगे तो एक फोल्डर में सारे ट्रैक्स प्ले करेगा, इस तरीके से। सिस्टम के मेन्यू में ऑटो स्टैंड बाय ऑप्शन मिलता है, इनकेस आप साउंड बार को यूज़ नहीं कर रहे तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, लेकिन इरिटेटिंग रहता है इसलिए मैं इसको ऑफ ही रहने देता हूँ।
वर्जन सेलेक्ट करने पे फर्मवेयर का करंट वर्जन डिस्प्ले कर देता है जो कि इस साउंड सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। रीसेट से सारी सेटिंग्स जो आपने करी है वो रीसेट हो जाती है। इसकी फर्मवेयर को अपडेट करने के लिए सोनी की वेबसाइट पे जाके फर्मवेयर डाउनलोड करके एक USB पेन ड्राइव में डाल के इस सिस्टम से कनेक्ट करके फिर अपडेट का मेन्यू सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर पावर और ब्लूटूथ के जो बटन्स हैं उनको 7 सेकंड्स के लिए एक साथ टच करके होल्ड करेंगे तो भी अपडेट हो जाएगा। वीडियो को अगर बिना स्किप करे देखा है तो अब तक पूरा आपको समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से एक होम थिएटर सिस्टम को आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर इसके लुक्स की, फिट और फिनिश की बात करी जाए, बिल्कुल परफेक्ट प्रोडक्ट है ये। इसमें कहीं से भी सोनी ने बिल्कुल भी कमी नहीं छोड़ी। पहले के जो होम थिएटर्स होते थे उनके मुकाबले काफ़ी ज़्यादा इन्होंने इंप्रूवमेंट करी है। कहीं से भी ग्रिल्स लिजबिजी नहीं है, कहीं भी गैप्स अनइवन नहीं है। सोनी की वोल्टेज भी जितनी बताई जाती है उतनी ही होती है, कोई ओवर स्टेट नहीं करते, लेकिन जितनी ये क्लेम करते हैं अपनी स्पेसिफिकेशंस पूरी डिलीवर करते हैं। इस साउंड सिस्टम की स्पेसिफिकेशंस देख के ही मन खुश हो जाता है क्योंकि एक एक ड्राइवर का साइज और वोल्टेज क्लियरली स्पेसिफाइड है कंपनी की तरफ से। क्योंकि एंट्री लेवल मॉडल है तो किसी भी तरह का ट्विटर आपको इस साउंड सिस्टम में देखने को नहीं मिलता, लेकिन साउंड बार के जो आगे के स्पीकर्स हैं वो फुल रेंज के हैं जिनका साइज 42x100mm का है। इस कारण से वोकल क्लैरिटी काफ़ी ज़्यादा आती है और ट्विटर की बहुत ज़्यादा कमी महसूस नहीं होती। इससे पहले वाला जो साउंड सिस्टम है मेरे पास, उसमें एक मिड रेंज ड्राइवर था फ्रंट सैटेलाइट्स में और एक ट्विटर था, और सराउंड स्पीकर्स में तो खैर ट्विटर ज़्यादा देखने को नहीं मिलते। तो एक सिंगल 65mm मिड रेंज ड्राइवर का इस्तेमाल करा गया है और ये एग्जैक्ट वही साइज है जो पहले के साउंड सिस्टम्स में इस्तेमाल होता था, बस इसकी वोल्टेज 67 कर दी गई है। वहीं अगर सबवूफर के ड्राइवर के साइज की बात करें तो 160mm का ड्राइवर इसमें इस्तेमाल करा है और दमक भी परफेक्ट है। इंडियन टेस्ट के हिसाब से मैं कहूँगा परफेक्ट है। इंडियन म्यूज़िक के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक म्यूज़िक सुन रहे हैं या बहुत हाई लेवल का बहुत पावरफुल अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हैं तो थोड़ा सा और इच्छा रह जाती है कि और पावरफुल सबवूफर होता है इसका। अब अगर अलग अलग तरीके के होम थिएटर्स को आपने सुना है तो एक रेंज होती है, जैसे कि 50,000-60,000 के ऊपर के जो होम थिएटर्स होते हैं उनमें थोड़ा बेहतर आपको जो बेस का लेवल है वो मिलता है, जो अर्थ शैटरिंग बेस होती है वो मिलती है। लेकिन जैसे 20,000 के नीचे आप कोई भी होम थिएटर परचेज करेंगे वो वाला इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी वोल्टेज के हिसाब से बेस बिल्कुल परफेक्ट है और इसके प्राइस रेंज में इससे बेहतर बेस आपको किसी भी साउंड सिस्टम में नहीं मिलेगी। साउंड बार का वेट 2 kg के करीब है, सराउंड स्पीकर का वेट 0.5 kg के करीब है और सबवूफर का वेट 7 kg है। वेट एक इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी भी साउंड सिस्टम में। जितने भारी स्पीकर्स होंगे उतने बड़े साइज़ के मैग्नेट्स इनमें होते हैं और उतनी ही ज़्यादा लाउड आउटपुट ये आपको देंगे। कई सारे ब्रांड्स ड्राइवर का साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा दिखाते हैं लेकिन अंदर छोटा सा मैग्नेट होता है और सिंपली उन सिस्टम्स में इतनी वोल्टेज होती नहीं कि एक अच्छी साउंड आउटपुट वो दे पाए। We'll be right back.
मॉडल की थर्मल्स की बात करें तो हीट को अच्छे से मैनेज करा हुआ है सोनी ने। खैर इसके एम्पलीफायर के लिए किसी भी तरीके का फ़ैन तो नहीं लगा मिलता सबवूफर के बैक साइड में, लेकिन इस सिस्टम की सिंपली इतनी वोल्टेज है ही नहीं कि ओवरहीटिंग की किसी भी तरीके से दिक्कत आए। फुल वॉल्यूम पे करीब एक घंटे तक तो मैंने इसको प्लेबैक कर रखा है और किसी भी तरीके की हीटिंग इश्यूज मुझे इसमें नहीं मिले, कोई भी प्रोटेक्ट एरर नहीं आया और ना ही कोई फनी स्मेल्स आई। शुरू के कुछ घंटे इसको अच्छे से प्लेबैक कर लें ताकि साउंड क्वालिटी इसके निखरे। अगर आपको पता हो हर साउंड सिस्टम का एक बर्न इन होता है, ड्राइवर्स चल चल के ज़्यादा अच्छे साउंड आपको देते हैं। इस साउंड सिस्टम की पावर कंजम्पशन मेरे अंदाजे के हिसाब से काफ़ी कम है। मैक्सिमम पावर जो ये कंज्यूम करता है उससे 55 वाट्स है। इसको चेक करने के लिए अलग अलग तरीके के म्यूज़िक मैंने फुल वॉल्यूम पे प्ले करके चेक करे और जहाँ पर मुझे मैक्सिमम रीडिंग मिली वो आपको मैंने दिखा दी। अब तक जितने भी साउंड सिस्टम्स मैंने देखे हैं इनमें ये चीज़ नोटिस करिए कि वोल्टेज को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसी कारण से वी गार्ड का वोल्टेज स्टेबलाइजर मैं प्रेफर करता हूँ इस्तेमाल करना इस तरह के सिस्टम्स में। इसके अंदर AVR बिल्ट इन है, यानी ऑटोमेटिकली वोल्टेज को रेगुलेट कर लेता है। कम आती है तो हल्की सी बढ़ा देता है, ज़्यादा आती है तो कम कर देता है और वोल्टेज फ्लक्चुएशंस को भी कंट्रोल करता है। अपने कंप्यूटर के लिए मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिलहाल स्टॉक में डिस्प्ले वाला वर्जन इस स्टेबलाइजर का मुझे नहीं मिला था, इसी कारण से अभी तक मैंने इस सिस्टम के लिए वो नहीं लगाया। जैसे ही वो स्टॉक में आएगा उसको भी मैं लेके लगा लूँगा और कोशिश करूँगा उस पर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपको दे पाऊँ। इसकी डिमेंशंस की बात करें तो 76 सेंटीमीटर्स की चौड़ाई है साउंड बार की, 9 सेंटीमीटर्स की गहराई है और 5 सेंटीमीटर्स की ऊंचाई है। सबवूफर की साइज़ की बात करें तो 19 सेंटीमीटर्स की इसकी चौड़ाई है, 38.5 सेंटीमीटर्स की ऊंचाई है और 34 सेंटीमीटर्स की गहराई है। रही बात सराउंड स्पीकर्स की तो इनकी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर है, गहराई और चौड़ाई 9 सेंटीमीटर्स के करीब है। केबल्स की लेंथ की अगर बात करें यही एक वीक पॉइंट है इस साउंड सिस्टम का, क्योंकि सोनी ने केबल्स की लेंथ काफ़ी कम दी है। मेन पावर केबल जो सबवूफर में लगती है वो सिर्फ 1.5 मीटर की है, साउंड बार की केबल 3 मीटर्स की है और सराउंड स्पीकर्स की केबल्स की लेंथ 8 मीटर है, जो कि बहुत ही कम है। खैर एक 3 मीटर लंबी पावर केबल मैंने अलग से खरीद के लगा ली थी। रही बात बाकी केबल्स की तो इनको एक्सटेंड नहीं करा जा सकता क्योंकि सोनी ने प्रोप्राइटरी कनेक्टर्स इस्तेमाल करे हैं अपने स्पीकर्स के लिए। अब महंगे साउंड सिस्टम्स में तो बनाना कनेक्टर्स होते हैं, लेकिन इस तरीके के होम थिएटर्स इन अ बॉक्स जो मिलते हैं उनमें प्रोप्राइटरी कनेक्शंस ही कॉमन है। अब इंडिया में बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिंपली चाइना से माल लेके अपना नाम लगा के सेल कर रही हैं। उस तरह की चीज़ों से अगर आप सोनी को कंपेयर करेंगे तो एक तरह से इंसल्ट है इस सिस्टम की। तो कोई भी अगर आप साउंड सिस्टम देख रहे हैं 5-6 हज़ार का, 7-8 हज़ार का, और कोई ऐसा इंडियन कंपनी का है जो कि सिर्फ चाइना से माल लेके उस पर नाम लगा के सेल कर रही है, यही आपको कहूँगा कि अपने पैसे उस तरह के सिस्टम्स में ना फंसाएं। पुअर आफ्टर सेल सर्विस मिलती है आपको, साउंड क्वालिटी जो मिलती है आपको तो पता ही है उस तरह के सिस्टम्स में, क्योंकि कुछ हज़ार रुपये में साउंड कभी भी आपको नहीं मिलने वाली अच्छी जितनी आप चाहते हैं। अगर डिसेंट लेवल की आपको साउंड चाहिए तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव ही आपको जाना पड़ेगा। ये भी एक मिड रेंज का हम कह सकते हैं या बजट सीरीज़ में हम कह सकते हैं सोनी का, क्योंकि बिल्कुल एंट्री लेवल का मॉडल है ये। खैर इससे कम में कोई भी मॉडल नहीं आता, लेकिन सारे इससे ऊपर ही आते हैं। जितने ज़्यादा पैसे डालते जाएंगे उतने पावरफुल साउंड आपको मिलती रहेगी। क्वालिटी ऑफ सर्विस की बात करें तो सोनी की जो सर्विस है हमेशा से काफ़ी अच्छी रही है। कई ब्रांड्स ऐसे हैं कि सिंपली आप बस खरीद लेते हैं एक बार उसके बाद आपको सर्विसिंग नहीं मिलती, लेकिन सोनी में ऐसा नहीं है, सर्विसिंग हो जाती है। बस कोशिश करें कि इसकी जब भी आप सर्विसिंग करें अपने घर पर ही टेक्नीशियन को बुला के करवाए, सर्विस सेंटर पर ले जाके। मैंने देखा थोड़े से इनके बिल्स इन्फ्लेट ज़्यादा हो जाते हैं, अननेसेसरी पार्ट्स कई बार हो सकता है कि आपको रिप्लेस करने के लिए कंपनी वाले कहें, लेकिन घर पर बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल सर्विस रहती है। अब अगर कंक्लूजन की बात करें तो इस प्राइस में इससे बेहतर आपको साउंड किसी भी कंपनी में नहीं मिलने वाली। बहुत से कंपनीज के प्रोडक्ट कम रेंज के आपको मिल जाएंगे, आप शुरू में लेंगे लेकिन अल्टीमेटली आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, क्योंकि एक लेवल है जैसे 15 हज़ार का, 20 हज़ार का, इसके ऊपर आप चले जाते हैं तो अच्छी साउंड क्वालिटी आपको मिलती है साउंड सिस्टम्स में। बहुत नीचे के रेंज में अगर होते हैं तो सिंपली उतनी वॉटेज या साउंड क्वालिटी नहीं मिलती किसी भी एक मूवी को एंजॉय करने के लिए, तो कम से कम इस रेंज के ऊपर ही आपको देखना पड़ेगा। सोनी के साउंड बार्स के लाइनअप की बात करें तो जो मॉडल आपको मैंने वीडियो में दिखाया है ये ST S20R है और सबसे एंट्री लेवल मॉडल है ये। इसमें 400 वॉट्स की टोटल पावर आपको मिलती है। इसका अगला जो मॉडल है ST S40R आता है, इस मॉडल में 600 वॉट्स की पावर आपको मिलती है और जो रियर सराउंड स्पीकर्स हैं वो वायरलेस है। अगर आपका ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है तो ये वाला मॉडल बेटर रहेगा, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कोई भी वायरलेस यूनिट इस तरीके की होती है उसमें इंटरफेरेंस का चक्कर ज़रूर आता है, क्योंकि घर में ही वाईफाई और ब्लूटूथ की बहुत सारी डिवाइसेस होती है। इसलिए मैं पसंद करता हूँ कि एक ही एम्पलीफायर हो, उसी की केबल्स लंबी हो, ऐसे वायरलेसली ट्रांसमिट करने में डेटा में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस ज़रूर आता है। और इस वक्त का जो मेरा फेवरेट मॉडल है वो ये है ST S500 RF।
इसमें आपको मैक्सिमम 1000 वाट्स की पावर मिलती है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है और बहुत ही पावरफुल सबवूफर है इस वाले मॉडल में। इसकी पावर का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सबवूफर के अंदर जो एम्पलीफायर बिल्ट इन है उसमें कूलिंग के लिए एक फ़ैन भी लगाया हुआ है कंपनी ने, ताकि हाई वॉल्यूम्स पे भी इनका टेम्परेचर अंडर कंट्रोल रहे और लाइफ बनी रहे। अगर आपका ड्राइंग रूम इस लायक है कि टावर स्पीकर्स आप प्लेस कर पाए तो ये वाला मॉडल भी काफ़ी अच्छा है। इस मॉडल में भी 1000 वाट्स की ही पावर है, लेकिन लुक में थोड़ा ये और बेटर हो जाता है। बाकी सारी चीज़ें इसमें भी सेम रहती हैं। अब इन सारे साउंड सिस्टम्स की कीमत की बात करी जाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए गए हैं, उन पर जाके आप चेक कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साउंड सिस्टम से जुड़े हुए कोई भी सवाल है तो कमेंट पर ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे।